Assalamu alaikum, this is Maqsood Ali, an English language teacher. I welcome you to my YouTube channel, English with Maqsood. In this lecture, we are going to discuss past simple tense. Before starting this lecture, make sure you have watched my lecture on present simple tense. If you haven't, please go to description box. I have uploaded link there. ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले प्रेजेंट सिंपल टेंस पे मेरा लेक्चर है, पहले वो देखें ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो सके। ठीक है, मैंने प्रेजेंट सिंपल पे लेक्चर अपलोड किया हुआ है, पहले वो देखें और फिर इसको देखें, या पहले ये देख लें और फिर उसको देखें ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो। लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। पास्ट सिंपल टेंस इज यूज टू टॉक अबाउट पास्ट हैपनिंग्स। कोई ऐसे काम जो माजी में होते हों या हमने किए हों, वो जब हम इंग्लिश में बताना चाहेंगे तो पास्ट सिंपल टेंस का यूज करेंगे। ठीक है, पास्ट सिंपल टेंस कैसे बनता है? सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, वर्ब की तीन फॉर्म्स होती हैं, आपको पता होगा। फर्स्ट फॉर्म होता है प्रेजेंट सिंपल में यूज होता है, सेकेंड फॉर्म पास्ट सिंपल में यूज होता है, और थर्ड फॉर्म वो मैं आपको आगे बताऊंगा। इसमें जो है सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होता है, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सो लेट्स सी सम एग्जांपल्स इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड पास्ट सिंपल टेंस प्रॉपरली। ही पार्टिसिपेटेड इन क्रिकेट टूर्नामेंट। ही पार्टिसिपेटेड इन क्रिकेट टूर्नामेंट। उसने क्रिकेट टूर्नामेंट में हिस्सा लिया था। ठीक है, माजी में उसने ये काम किया था और अब हम प्रेजेंट में बता रहे हैं, इसलिए हम पास्ट सिंपल टेंस यूज करेंगे। वी हेल्प ईच अदर इन स्कूल। हम एक दूसरे की स्कूल में मदद करते थे। वी हेल्प ईच अदर इन स्कूल। दे स्टडीड वेरी हार्ड। वो बहुत ज्यादा पढ़ते थे। वो बहुत ज्यादा पढ़ते थे। शी विजिटेड हर मदर यस्टरडे। वो कल अपनी माँ के पास गई थी। वी मेट ईच अदर लास्ट मंथ। पिछले महीने हम मिले थे। ठीक है, ये एक ही मेजर इसका यूज है, बाकी ये कंडीशनल में यूज होते हैं, तो जब मैं आपको कंडीशनल पढ़ाऊंगा तो वहां पे बता दूंगा, लेकिन ये एक मेजर जो यूज होता है इसका पास सिंपल का, यही होता है कि माजी के जो एक्शंस हमने किए थे, माजी के जो काम हमने किए थे, वो अब प्रेजेंट में बताना चाहें तो पास सिंपल यूज करेंगे। जैसे उर्दू में भी ऐसे ही होता है, हिंदी में भी ऐसे ही होता है कि हम गए थे, हम मिले थे, हम पढ़ते थे। ठीक है, इस तरह के सेंटेंसेस। नंबर टू, हाउ टू क्रिएट नेगेटिव। नेगेटिव कैसे बनाए पास सिंपल के? ये एक ऐसा एरिया है जिसको समझने के लिए आपको बहुत ही ध्यान देना होगा लेक्चर पे, बिल्कुल अटेंटिवली आप सुने इसको। ठीक है, फार्मूला देखें नेगेटिव बनाने का। पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर डिड नॉट लगाएंगे, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगा देंगे। पॉजिटिव सेंटेंस में क्या कर रहे थे हम? सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और नेगेटिव बनाने के लिए हम सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, फिर उसके बाद सेकंड फॉर्म नहीं लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे और फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। यहाँ पे आप लोगों से ज्यादा गलतियां होती हैं कि आप डिड नॉट भी लगाते हैं और सेकंड फॉर्म भी लगाते हैं, तो इस तरह से नहीं कीजिएगा। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, प्लीज रिमेम्बर दैट। इफ यू यूज सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यू आर गोइंग टू मेक अ ग्रामेटिकल मिस्टेक। एक ग्रामेटिकल मिस्टेक होगी और इससे आपकी इंग्लिश जो है बुरी लगेगी। सी द एग्जांपल्स। आई डिड नॉट सी यू इन ऑफिस यस्टरडे। कल मैंने आपको ऑफिस में नहीं देखा था। अब देखें डिड नॉट आया है तो इसलिए मैंने फर्स्ट फॉर्म लगा दिया है। अगर इसका पॉजिटिव में बनाता तो इस तरह से बनाता, I saw you in office yesterday। ठीक है, so second form लगा था, क्योंकि negative आ गया है,
did not लग गया है तो हम first form use करेंगे. You did not complete your assignment on time. आपने अपना assignment वक्त पे मुकम्मल नहीं किया. She did not like talking too much. उसे ज्यादा बोलना पसंद नहीं था. Number 3. How to make interrogative. Interrogative कैसे बनाते हैं past simple का. Let's see. Did plus subject plus first form of the verb plus object. पहले did लगाएंगे, फिर subject लगाएंगे, फिर first form of the verb लगाएंगे, फिर object लगाएंगे. आप यहाँ पे भी notice कीजिए कि first form आएगा. जब भी did हम use करेंगे तो first form आएगा. Negative में did not किया तो first form. इंटेरोगेटिव में डिड यूज कर रहे हैं फिर फर्स्ट फॉर्म. ठीक है, तो पास्ट सिंपल में सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस में आता है. बाकी जो भी इंटेरोगेटिव नेगेटिव जो भी हम सेंटेंसेस बनाते हैं उसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है, उसके साथ डिड आ जाता है. ठीक है, डिड यू गो देयर, क्या आप वहां गए थे. डिड यू अटेंड मैरिज सेरेमनी ऑफ योर फ्रेंड, क्या आप अपने दोस्त की शादी में शामिल हुए थे. डिड यू लाइक द पार्टी, क्या आपको पार्टी अच्छी लगी थी. नंबर 4, हाउ टू फॉर्म नेगेटिव इंटरोगेटिव. लेट्स सी. डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. डिड यू नॉट सी हिम लास्ट नाइट, क्या आप रात उससे नहीं मिले थे. डिड शी नॉट आंसर द क्वेश्चन, क्या उसने सवाल का जवाब नहीं दिया था. डिड आई नॉट डील विद यू पोलाइटली, क्या मैंने तमीज के दायरे में रहते हुए आपसे बर्ताव नहीं किया था. ओके, सो दिस वॉज पास्ट सिंपल टेंस एंड द यूज ऑफ पास्ट सिंपल टेंस. आई होप यू अंडरस्टूड. If you have any confusion, please ask me question in comment box. I will answer each and every question. And if you want such lectures in future, subscribe to my channel and press the bell icon so that you get notification when I upload a new lecture. So that's all. If you like the lecture, subscribe to my channel, like the video, and press bell icon so that you get future notifications. So see you in next lecture. Till then, bye bye. Allah Hafiz.